दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ विलियम कॉन्ग्रीव का लिखा हुआ एक प्ले, जिसकी डिमांड आप ही में से बहुत सारे व्यूअर्स कर रहे थे काफ़ी दिनों से, जिसका नाम है लव फॉर लव। ये विलियम कॉन्ग्रीव का लिखा हुआ 5 एक्ट का एक प्ले है। ये एक कॉमेडी है और इसको जब लिखा गया था उस वक्त टाइम पीरियड चल रहा था रेस्टोरेशन। विलियम कॉन्ग्रीव दोस्तों एक ब्रिटिश प्ले राइट थे और इस प्ले को ओरिजिनली 1695 में पब्लिश करवाया गया था। ये सब थोड़े बहुत की फैक्ट्स बताया आप लोगों को इस प्ले के। अब हम लोग इसकी कहानी पर नज़र डालते हैं, इसके प्लॉट पर नज़र डालते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है वैलेंटाइन नाम के एक आदमी से, जो कि इस कहानी का हीरो है और अपने सर्वेंट जेरेमी और अपने दोस्त स्कैंडल से कंप्लेन कर रहा है। मतलब अपना दुख सुना रहा है अपने इस नौकर को और अपने दोस्त स्कैंडल को, अपनी फाइनेंशियल ख़राब फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में बात करता है ये। अब दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि इसकी इतनी ख़राब सिचुएशन क्यों है, मतलब इसकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ख़राब क्यों है, दरअसल इसकी कंडीशन ख़राब नहीं है, इसकी आदतें ख़राब है। क्योंकि ये एक अमीर बाप की औलाद है और इसके पास पैसा बहुत है। इतना सारा पैसा होने के बावजूद ये अपना अधिकतर पैसा, बहुत ही उड़ाऊ लड़का है, तो इसने एंटरटेनमेंट और औरतों पर अपना सारा पैसा बर्बाद कर दिया। और इसके लेनदार भी बहुत है, मतलब कर्जा भी बहुत सारा हो गया इसके ऊपर। अब इसके पास कुछ नहीं बचा, इसके पास सिर्फ इसकी बुक्स बची है, बुक्स को छोड़ करके कुछ खास प्रॉपर्टी बची नहीं है इसके पास में। तो ये अपना इरादा अपने दोस्तों को बताता है कि ये एक प्ले राइट बनना चाहता है। प्ले राइट का मतलब जो प्ले वगैरह लिखते हैं। इसी के साथ साथ ये अपने दोस्तों को बताता है कि ये एक लड़की से प्यार करता है जिसका नाम है एंजेलिका। अब इसके दोस्त इसकी दोनों बातों को सुन करके हंसते हैं, इसका मजाक बनाते हैं कि एक तो ये प्ले राइट बनेगा, प्ले राइट बनना इतना आसान है क्या, दूसरा उस लड़की को कोर्ट करेगा एंजेलिका को। तभी दोस्तों यहाँ पर काफ़ी सारे लेनदार आते हैं, इसके वैलेंटाइन के काफ़ी सारे लेनदार आते हैं कि हमारा पैसा दे दो, हमारा पैसा दे दो। लेकिन हमेशा की तरह ये जेरेमी इन सब लेनदारों को झूठे वादे करता है, झूठे वादे कर करके टालता है। अब दोस्तों मैं आपको बताऊं, ये वैलेंटाइन के फादर की डेथ नहीं हुई है, इसके फादर का नाम है सर सैमसन। ये अभी जिंदा हैं, अच्छे खासे हैं, हट्टे कट्टे। तो ये इसको इसी टाइम पर एक मैसेज भेजते हैं, इसके फादर इसको उस मैसेज में ऑफ़र करते हैं कि मैं, तुम चाहो तो मैं तुम्हें तुम्हारे सारे लेनदारों से अभी के लिए बचा लूँगा, 4000 पाउंड दे करके तुम अपने सारे कर्जे चुकते कर सकते हो, लेकिन बदले में तुमको अपने हिस्से की विरासत अपने छोटे भाई को, छोटे भाई के नाम करनी होगी। इसके छोटे भाई का नाम है बैन और इसका छोटा भाई अभी अभी अब्रॉड से वापस आया है, बाहर विदेश से वापस आया है। तो उसके नाम अपनी सारी जायदाद, अपनी सारी विरासत कर दो, कि जो बड़े भाई का दर्जा होता है वो उसके नाम कर दो। तो बदले में मैं तुम्हें 4000 पाउंड दूंगा जिससे तुम अपने सारे कर्जे चुकते कर सकते हो। तो पहले पहले तो इस बात पर वैलेंटाइन अपने फादर से बड़ा नाराज़ हुआ कि क्या मैं उनका बेटा नहीं हूँ कि वो मुझसे इस तरह की शर्त रखवा करके मुझे पैसे दे रहे हैं। तो लेकिन शुरू में इसने नाटक किया, लेकिन बाद में ये मान गया, क्योंकि लेनदार दरवाजे पर खड़े थे तो उनको देख करके इसने कम से कम मेरा पीछा छूटेगा इन लेनदारों से, तो ये मान गया कि चलो ठीक है, एंजेलिका को भी पटाने के लिए थोड़े पैसे मिल जाएंगे इसको। अब दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा इस एंजेलिका के बारे में बताता हूँ। ये एंजेलिका अपने अंकल आंटी के घर में रहती है। इसके अंकल आंटी का नाम है मिस्टर एंड मिसेस फॉरसाइट। ये मिस्टर फॉरसाइट की जो है ये दूसरी शादी हुई है मिसेस फॉरसाइट से, ठीक है, ये बात याद रखना। तो मिस्टर फॉरसाइट जो हैं ये एक एस्ट्रोलॉजर हैं, मतलब ज्योतिष जो होते हैं वो हैं। तो ये किसी मजबूरी की वजह से एंजेलिका को अपने घर में टिका करके बैठे हैं। एंजेलिका भी अपने अंकल को धमकी देती रहती है कि मैं आपको एक्सपोज कर दूंगी कि आप कोई असलियत में कोई एस्ट्रोलॉजर वगैरह नहीं है, एक फेक काम कर रहे हैं आप ये एस्ट्रोलॉजी का। तो दोस्तों अब यहाँ पर सर सैमसन आते हैं। सर सैमसन कौन? वैलेंटाइन के फादर और बैन के फादर, बैन और वैलेंटाइन के फादर। अब ये यहाँ पर क्यों आए हैं? क्योंकि दोस्तों मिस्टर फॉरसाइट की एक बेटी है, मिस्टर फॉरसाइट की अपनी एक बेटी है मिस प्र्यू, जिससे अपने बेटे बैन की शादी सर सैमसन करवाना चाहते हैं। तो इसी मकसद से सर सैमसन का यहाँ पे आना हुआ। सर सैमसन अपने छोटे बेटे बैन से बहुत प्यार करते हैं, तो इसी मकसद से इनका यहाँ पे आना हुआ। लेकिन यहाँ पर वैलेंटाइन भी आ गया। दोस्तों वैलेंटाइन मैंने आपको बताया था ये एंजेलिका के साथ प्रेम में है, तो ये यहाँ पे एंजेलिका के लिए आया था। लेकिन यहाँ पे इसकी टक्कर अपने फादर से हो जाती है, आमने सामने मिल जाते हैं दोनों। तो इन दोनों बाप बेटों में बड़ा आर्ग्यूमेंट होता है और ये दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अब दोस्तों जो मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ उस पर ध्यान देना। ये मिसेस फॉरसाइट जो है, फॉरसाइट की सेकेंड वाइफ मिसेस फॉरसाइट, इसकी एक सिस्टर है जिसका नाम है फ्रेल। ये फ्रेल जो है
ये इस बैन से शादी करना चाहती है। क्यों? क्योंकि ये एक अमीर लड़का है तो थोड़ी वेल्थ मिल जाएगी इसको, फ्रेल को। पैसे की लालच में ये इस बैन से शादी करना चाहती है, लेकिन इससे पहले इसे बैन की एंगेजमेंट मिस प्र्यू से तोड़नी होगी। मतलब बैन और प्र्यू की एंगेजमेंट हो चुकी है तो इसे तोड़नी होगी, तब जाकर इसकी और बैन की बात बनेगी। इसके लिए इसने मिस प्र्यू और टैटल नाम का एक बंदा है, इन दोनों की रिलेशनशिप को बढ़ावा दिया। अब दोस्तों, एक बात जो मैंने पहले आपको नहीं बताई, अभी बता देता हूँ। ये स्कैंडल जो है, इसने वैलेंटाइन से वादा किया है कि ये इसकी मदद करेगा, ये चीज़ याद रख लो। अब क्या होता है इस कहानी में, ये बैन फॉरसाइट हाउस में आता है, लेकिन ये लड़का दोस्तों एकदम मैनरलेस है, लेकिन फिर भी मिसेस फ्रेल मौके का फ़ायदा उठा करके इसके साथ फ्लर्ट करने लगती है। लेकिन सर सैमसन सबको बोलते हैं कि बैन और मिस प्र्यू को अकेला छोड़ दिया जाए, ये दोनों आपस में बात कर ले, लड़का लड़की। लेकिन दोस्तों, इन दोनों को अकेला छोड़ने का कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, मिस प्रियल की तरकीब काम आ गई। मिस प्र्यू ने तो बैन को बोल दिया कि मैं टैटल से प्यार करती हूँ, तुमसे नहीं करती, इसको रिजेक्ट कर दिया बैन को। तो बदले में बैन ने भी बदला लेने के लिए इसको रिजेक्ट कर दिया और कह दिया कि मुझे भी मिसेस प्रियल पसंद है, मैं प्रियल को पसंद करता हूँ, वो मुझसे अच्छा बर्ताव कर रही थी। इसी आर्ग्यूमेंट के साथ बैन और मिस प्र्यू ने तय किया कि ये दोनों आपस में शादी नहीं करेंगे। अब दोस्तों, इस मोमेंट पर एक और घटना होती है। क्या होती है? ये स्कैंडल आता है यहाँ पे। ये स्कैंडल आकर के सर सैमसन और मिस्टर फॉरसाइट को बोलता है कि आपका बेटा वैलेंटाइन पागल हो गया है और अपना मानसिक संतुलन खो बैठा है। ये खबर देता है लाकर के ये स्कैंडल इन दोनों को। अब तभी यहाँ पर मिसेस फॉरसाइट आती है और ये स्कैंडल उनके साथ फ्लर्ट करने लगता है। लेकिन इस बीच दोस्तों, ये मिसेस फ्रायल और बैन आपस में तय कर लेते हैं कि हम दोनों शादी करेंगे, मतलब एग्री हो जाते हैं इस बात पे। तो मिसेस फ्रायल बैन को बोलती है कि जब तक मैं ना कहूँ तब तक तुम ये बात दुनिया से छुपा कर रखोगे, किसी को कुछ नहीं बोलोगे। ठीक है, बैन मान जाता है। अब दोस्तों, ये वैलेंटाइन के पागल होने की खबर जब एंजेलिका के पास पहुँची तो ये खुद को बड़ा गिल्टी फील करने लगी। अब दोस्तों, वैलेंटाइन के फादर सर सैमसन इसके पास आते हैं एक लॉयर को लेकर के कि ये वैलेंटाइन अब अपने बड़े बेटे होने के सारे राइट्स को छोड़ने के कागजों पर दस्तखत कर दे। लेकिन तभी वैलेंटाइन वहाँ पर पागलों वाली हरकतें करने लगता है, तो लॉयर मना कर देता है वैलेंटाइन के फादर को कि ऐसी हालत में हम इससे सिग्नेचर नहीं करवा सकते, अगर हमने ऐसे दस्तखत करवाए तो ये गलत हो सकता है कानूनी रूप से। अब दोस्तों, ऐसी सिचुएशन में जब सारे राइट्स वैलेंटाइन के पास है तो मिसेस प्रेयल को बड़ी दिक्कत थी कि अब ये बैन से शादी कैसे कर ले। तो अभी ये बैन से शादी नहीं कर सकती, एक बार फिर से सोचना पड़ेगा इसे बैन से शादी करने के लिए। लेकिन बैन ने इसे बोला कि मैंने तो अपने फादर को बोल दिया है कि मैं तुमसे शादी करने जा रहा हूँ। इस बात पर मिसेस फ्रेल ने बैन को बड़ा सुनाया कि बेवकूफ़ लड़के, तुझे बोला था ना कि इस बात को सीक्रेट रखना, किसी को बताना मत। तो उसने गुस्से में बैन से सारे प्रोमिस तोड़ दिए अपने, मैं तुमसे शादी करूँगी वगैरह वगैरह। और अब वैलेंटाइन के पास सारे राइट्स हैं कि वो बड़ा बेटा है तो उसी को ही सारे अधिकार हैं अभी इस वक्त। इस बीच दोस्तों, एक और चीज़ होती है। ये टैटल जो है, ये एंजेलिका से फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एंजेलिका ने इसकी तरफ, टैटल की तरफ कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया और इससे दूरियां बनाए रखी। लेकिन इस बीच ये एंजेलिका और वैलेंटाइन, ये दोनों अकेले थे, मतलब ये दोनों अकेले थे, तो वैलेंटाइन ने एंजेलिका को सच बता दिया कि क्यों वो सबके सामने पागलपन की एक्टिंग कर रहा है। लेकिन एंजेलिका क्या करती है, सर सैमसन से मिलकर के एक प्लान बनाती है। ये एंजेलिका सर सैमसन यानी कि वैलेंटाइन के फादर से मिलकर के एक प्लान बनाती है। वो सर सैमसन से बोलती है कि आपका बेटा पागलपन की एक्टिंग कर रहा है, और ये सर सैमसन से कहती है कि ऐसी अफवाह मार्केट में फैला दो कि आप और मैं शादी कर रहे हैं। ये सर सैमसन से बोल रही है एंजेलिका कि आप और मैं शादी कर रहे हैं, ये अफवाह मार्केट में फैला दो जिससे आपके बेटे को सबके सामने आकर के अपने पागलपन का राज खोलना ही पड़ेगा, और आप ऐसा सेटलमेंट तैयार करवाओ जिसके तहत इन फ्यूचर हम दोनों की शादी के बाद हमारे जो बच्चे होंगे उनके नाम प्रॉपर्टी होगी बजाय आपके दोनों बेटों के। ठीक है, इस वक्त जो बेटे हैं आपके। तो सर सैमसन इस बात पर एग्री हो गए, लेकिन सर सैमसन इसके बावजूद भी वो एंजेलिका से असलियत में शादी करना चाहते थे। ठीक है, यहाँ दोस्तों ये टैटल भी
मिस प्रियू को छोड़ करके एंजेलिका के पीछे पड़ा था। टाइटल मना कर देता है कि मैं मिस प्रियू से शादी नहीं करूँगा। अब दोस्तों फाइनली एक लॉयर आता है, वो एंजेलिका और सर सैमसन की शादी की अनाउंसमेंट कर देता है। यहाँ वैलेंटाइन को जब पता चलता है कि एंजेलिका तो मेरे फादर के साथ शादी करने जा रही है, तो ये और स्कैंडल, इसका दोस्त स्कैंडल, वहाँ पर आते हैं फाइनली और सबको सच बताते हैं कि वैलेंटाइन पागल नहीं हुआ था, वो पागलपन का नाटक कर रहा था। इसी के चलते अब वैलेंटाइन अपने सारे राइट छोड़ने को तैयार हो गया और एंजेलिका को अपना सच्चा लव शो किया उसने, और एंजेलिका भी नाटक ही कर रही थी तो उसने भी वैलेंटाइन को अपना लव शो किया और एंड में ये दोनों एक हो गए। सर सैमसन की जहाँ तक बात की जाए, सर सैमसन वहाँ से गुस्से में चले गए क्योंकि उनकी शादी एंजेलिका से नहीं हो पाई। दोस्तों इसी के साथ ये कहानी ख़त्म होती है।